नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे 1 सितंबर से होने वाले बदलावों के बारे में। महीने बदलने के साथ कुछ न कुछ बदलाव तो होने आसान बात है, यानी कि होता ही है। ऐसे में सितंबर महीने की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में हमारे जीवन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने की बात कही जा रही है। बताया तो यह भी जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर से लेकर टोल प्लाजा और फिर प्रॉपर्टी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने की बात कही जा रही है। बता दें कि इन बदलावों का असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। बता दें कि इस महीने में पेट्रोलियम का भी रिव्यू होगा, ऐसे में घरेलू सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव होने की बात कही जा रही है। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं 1 सितंबर से होने वाले बदलावों को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं बैंक से जुड़े अपडेट को लेकर। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को 31 सितंबर तक अपनी KYC को अपडेट करवाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका खाता ब्लॉक हो सकता है, यानी कि आपको अपने अकाउंट का इस्तेमाल करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि बीमा पॉलिसी के नियम में भी एक बड़ा बदलाव होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि IRDAI ने बताया है कि 1 सितंबर से पॉलिसी का प्रीमियम कम हो सकता है। इरेडा की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि जनरल इंश्योरेंस के नियमों में किए गए बदलाव के बाद ग्राहकों को 30-35% की जगह अब सिर्फ 20% का कमीशन एजेंट को देना होगा। इससे जो है प्रीमियम कम हो सकता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि टोल प्लाजा पर टैक्स का ज़्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि मीडिया में चल रही खबरों की माने तो यमुना एक्सप्रेसवे में गाड़ियों की अधिक पैसे देना पड़ सकता है, यानी कि यह जो खबर है टोल प्लाजा को लेकर अभी जो बातें कही जा रही है वो यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर कही जा रही है। हालांकि अभी 1 सितंबर के बाद यह साफ हो पाएगा कि टोल प्लाजा में किस तरह के नियमों में बदलाव हो पाता है। ऊपर में हमने बैंक से जुड़े 2 नियमों के बारे में जाना जिसको लेकर चर्चा हो रही है। उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इन दिनों अधिक खर्च करना पड़ सकता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जमीन में जो सर्किल रेट में बढ़ोतरी की गई है वह गाजियाबाद को लेकर एक अपडेट जारी किया गया है। बता दें कि इसमें 2-4% तक की बढ़ोतरी करने की बात कही गई है। तो एक तरह से कह लें कि जमीन में जो सर्किल रेट है उसमें बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। हालांकि ये भी देखना है कि यह एक क्षेत्र विशेष का है या फिर गाजियाबाद का जो इलाका है, दिल्ली के आसपास का इलाका है, इसमें बढ़ोतरी हो पाती है। महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम पदार्थ की समीक्षा होती है, ऐसे में यह बताया जा रहा है कि सितंबर महीने की पहली तारीख को इसमें भी बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अब देखना है कि 1 सितंबर को होने वाले बदलाव में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो पाता है या नहीं, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों में हर महीने बदलाव होता है। ऐसे में रसोई गैस भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है, तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि रसोई गैस की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। टोल प्लाजा में बदलाव की बात कही जा रही है, साथ ही साथ जमीन खरीद बिक्री के मामलों में भी बदलाव की बात कही गई, साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर में 2 बड़े बदलाव की संभावना जताई गई है। ऐसे में देखना है कि 1 सितंबर से हमारे जीवन से जुड़े किन किन नियमों में बदलाव हो पाता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।